नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर धार रोड। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल्लर के पास आज ट्रैफिक पुलिस की ओर से और पुलिस की ओर से नाका लगाया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सामने यहाँ पे नाका लगाया गया है और हर आने और जाने वाले गाड़ियों को रोका जा रहा है। जिन लोगों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनी है, चालान काटे जा रहे हैं, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। चाहे स्कूटर हो, अगर हेलमेट नहीं पहनी है, ये देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो गाड़ी वाले आए हैं इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। मैं फिर आपको बता दूं कि जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, मोटरसाइकिल चालक हेलमेट नहीं अगर कोई पहनता है तो उन्हें रोका जाता है, कागजात उनके चेक किए जाते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए सामने उनके कागजात चेक किए जाते हैं। ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए ये सामने ये ओवरलोड। मैं फिर आपको बता दूं कि ये बस को रोका गया है और ये ओवरलोड है। ये जितने लोग अंदर बैठने चाहिए उससे ज़्यादा लोग इसमें बैठे हुए हैं। लोग बीच में, ये देखिए मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए ये लोग इसमें, ये फिर आपको बता दूं कि ये देखिए ये ओवरलोड गाड़ी है, ये इसे भी रोका गया है। हर आने और जाने वाली गाड़ी हो, चाहे वो स्कूटर चालक हो, चाहे वो कार चालक हो, बस चालक हो, उनको रोका जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। ये देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि ये बस थी और बस के अंदर जितने लोग बैठे ये उतारे जा रहे हैं, ये लोग उतर रहे हैं। ये देखिए मैं फिर आपको बता दूँ कि ये लोग उतर रहे हैं। ये ओवरलोडिंग जिसे कहा जाए, ये बस ओवरलोडिंग थी और इसे रोका गया है। आपकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जाते हैं पुलिस की ओर से, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे पुलिस हो, उनके द्वारा आए दिन इसी तरह के हर चौक चौराहे पर ये नाके लगाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि सीट बेल्ट पहन के रखें, कागजात अपने साथ रखें। मैं फिर आपको बता दूं कि ये कल्लर के पास ये नाका लगाया गया है, ये और हर आने और जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि ये देखिए मैं फिर आपको बता दूं कि हर आने और जाने वाली गाड़ी को रोककर उनके चालकों से पूछा जाता है कि कागजात बताएं, सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पर कि जज, जो कि मोबाइल जज रहते हैं, वो यहाँ पर खुद आए हुए हैं। ये देखिए उनकी ओर से ये चालान काटे जाते हैं, उनकी ओर से ये गाड़ियों को सीज किया जाता है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये कल्लर के पास ये नाका लगाया गया है पुलिस की ओर से और ट्रैफिक पुलिस की ओर से। ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये पुलिस की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये नाका लगाया गया है और हर आने और जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो उनके कागजात उनसे पूछे जाते हैं, हेलमेट अगर नहीं पहननी है तो उनकी हेलमेट के लिए बात की जाती है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए ये चालान काटे जा रहे हैं, ये देखिए ये सामने कई गाड़ियों को सीज भी किया जाता है, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएँ, ये सामने ये देखिए ये गाड़ी जिन लोगों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनी थी उन्हें चेक किया जा रहा है। मोटरसाइकिल अगर चालक कोई आता है उसे चेक किया जाता है। ओवरलोडिंग जो बस थी उसे रोका गया, उसे भी चालान किया गया है। और ये आपकी सुरक्षा के लिए, मैं फिर आपको बता दूं कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सब कुछ किया जाता है कि कागजात अपने साथ रखें, सीट बेल्ट पहन के रखें, हेलमेट पहन के रखें ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो और सामने वाले को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये देखिए मैं फिर आपको बता दूं कि ये गाड़ी, ये बिना सीट बेल्ट के ये गाड़ी थी, कोई नहीं भी रोका गया है। और ये इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस की बात हो, चाहे
ट्रैफिक पुलिस की बात हो तो चाहे पुलिस की बात हो तो उनकी ओर से आए दिन इसी तरह से ये नाके लगाए जाते हैं ताकि लोगों को बताया जाए, समझाया जाए उन्हें। कई गाड़ियों को सीज किया जाता है और कईयों के चालान भी काटे जाते हैं। कोई भी चौक चौराहा हो, चाहे वो सलाथिया चौक हो, MH चौक हो, सुभाष चौक हो, गोल मार्केट हो, इसी तरह के ये नाके लगाकर लोगों को बार बार ये बताया जाता है कि हेलमेट पहन के रखें, सीट बेल्ट पहन के रखें, कागजात अपने साथ रखें, छोटे बच्चों को स्कूटर ना दें ताकि आपकी भी सुरक्षा हो और जो सामने वाला रहता है जिससे कई बार गाड़ी टकराती है वो भी सुरक्षित रहे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।